अल्लाह ने रिजा फरमाया वकील ही या रबिल है उलाई कौमुल्ला युमिनून इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहीयुहा। अज बच्चा बोले मां कह दिया बड़ा मिठा पे बोलदा है, भैना कह दिया साडे वीर वर्गा बोलदा ही कोई नहीं, बाप कहता मैं कुर्बान जावा बड़ा ही मिठा बोलदा है। जदो नबी दे बोलन दी वारी आई कुर्बान जान वाली मां भी कोई नहीं, बाप ही सिर ते ना रहा, भैन है ही कोई नहीं। अर्ज की अल्लाह मैं भुलिया बारी सदके कौन जावेगा। अल्लाह फरमाया वकील ही वकील ही, फरमाया तेरी बोली भी कसम है एक बारी बहुत सही, मैं तुम्हें जग कुर्बान कर देवा। जी कर दे दर्दानू दुनिया ते खिलार दिया, जी कर दे दर्दानू दुनिया ते खिलार दिया। शबीर तेरे गम तू गम दुनिया दे वार दिया, शबीर तेरे गम तू गम दुनिया दे वार दिया। शबीर दे लोलो ते छुरियां सन चल दिया, शबीर दे लोलो ते छुरियां सन चल दिया। गर जहरा दिवस दे हथी जंदरे मार दिया, गर जहरा दिवस दे जंदरे मार दिया। असगर नु दफन करके सैयद ने किया मौला, असगर नु दफन करके सैयद ने किया मौला। सौ असगर जे होवन तेरे नाम तुबार दिया, सौ असगर जे होवन तेरे नाम तुवार दिया। रब जवान की सैयद दी हम शीर ते वरत गया, रब जान की सैयद दी हम शीर ते वरत गया। सिर वीर दबा झोली
ज़ुल्फ़ां सवार दिया सिर वीर दबा झोली ज़ुल्फ़ां सवार दिया अम्मा नू हुसैन के आ मेरे लिए दुआ करो अम्मा नू हुसैन के आ मेरे लिए दुआ करो नाने दी मोहब्बत दा हर कर्ज उतार दिया नाने दी मोहब्बत दा हर कर्ज उतार दिया शबीर तेरे गम तू गम दुनिया दीवार दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हमदो सना तो बाद दुरूद सलाम बारगाहे सैयद अल-अंबिया महबूब किबरिया शाफी रूज़ी जज़ा नबी करम शफी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवर कायनात फख्र मौजूदात बाइस तख़लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मस्दर कायनात वजह कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वबारक वसल्लम अदबाद सदर महफिल जान महफिल आले रसूल नस्ल रसूल खून बतूल हजरत अलामा मौलाना पीर सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह साहिब दामत बरकातहुम अलिया इंतहाई वाजिबुल क़द्र वाजिबुल इहतराम मौजूद मोहतरम दीगर सादात किराम उलमाए किराम नात खाना नशीर अली साहब बानी ने महफिल नकीब महफिल मौजूदीन इलाका मेहमान अली गिरामी अज़ीज़ एहतिशाम हाज़रीनो सामईन किराम अज दा ए पाकीज़ा इज्तिमा बसिलसिले सालाना महफिल ज़िक्र सैयदना इमाम हुसैन अलैहि सलाम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु आप इस इलाका चक गाजी के अंदर इनका पजीरे मैं शुक्र गुजार हाँ अज भी इस महफिल मुबारक के तमाम मुंतजमीन का जिन्होंने इस महफिल मुबारक का एहतमाम फरमाया मैनू और आप अहबाब नू नबासे रसूल जिगर गोशाए बतूल राकबे दोशे मुस्तफा नू दीदे मुस्तफा शहजादे कौनैन मुखदूमे कायनात हजरत सैयदना इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला के ज़िक्र खैर का मौका मुयसर फरमाया सुन्नी तहरीक चक गाजी के तमाम रकीन और जनाब अजमल साहेब और दीगर तमाम महबाब जिन्होंने इस महफिल मुबारक वास्ते अपनी काविशों पेश फरमाया काफ़ी नाम तहरीर तो मैं दुआ गोहा के रब तआला सारे की हाजरी कबूल फरमाए मोहम्मद अजमल सिठी साहेब रिजवान सिकंदर साहेब दुआ गोहा के रब तआला उन हरातन का सदका जड़िया करबला वाले ने करबला च गुजारिया और सदका उन्होंने रातों का जड़िया रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गारे सौर ते गारे हिरा च गुजारिया अल्लाह मेरी और आपा बाप दी अज दी रात कबूल फरमा के साडे वास्ते जरिया नजात बनाए अम्मा हलीमा ते सैयद अज़हरा पाक दे वेड़े दा सदका अल्लाह इन्हां वेड़ियां ते बनेरियां ते डेरियां नूं सदा शातियाबाद फरमाए दूसरी मरतबा मैं आपा बाप दी ज़ियारत लई हाज़िर हां और मेरे वास्ते खुशबख्ती है शाह साहिब किबला दी भी हजूर दी ज़ियारत नसीब हुई जिकर अहले इल्म मदरा तशरीफ फरमा ने पिछले साल मैं जरा जल्दी च सा शहबाज साउंड सिस्टम वाले भी मेरे घर च कह के गए तो मैं लेट हो गया सा और जल्दी चला गया सा तो अज मैं जाना तो है पर अज मैं जल्दी कोई नहीं तो मैं थोड़े को हफ्जाबाद तकरीर जाके करनी है मगर मैं इंशाल्लाह आपा बाप के जोक के मुताबिक आपा बाप की खिदमत जा कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात बयनात तलावत करने का शर्फ हासिल किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमाइन्ना
फरमाया ऐ इत्मीनान वाली जान, ऐ सुकून वाली जान, इर्जिई इला रब्बिक रादियतन मर्दिया, लौट आ अपने परवरदिगार वल इस हालत च कि तू उदे ते राजी है, ओ तेरे ते राजी है। फदखुली फी इबादी, फरमाया मेरे बंदियां च दाखिला कर, वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत च दाखिल हो जाओ। हफ्जाबाद वाले कुर्ब जबार तो तशरीफ लेके आने वालों, इन आयात बयनात च अल्लाह करीम ने नफ्स मुतमइन्ना नु मुखातब फरमाया, फरमाया अय्यतुह नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली जान, ए सुकून वाली जान। इत्मीनान की लोग कहते हैं हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती मुजद्दी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह लफ्ज़ इत्मीनान की तफसीर करते फरमाते हैं कि इंसान को परेशानी दुख मुसीबत के बाद जड़ी पहली खुशी मिले उन्हें इत्मीनान कहते हैं। अल्लाह ने जब हजरत आदम अलैह सलाम की मट्टी को फरिश्ते को हुक्म दिया कि इस मट्टी को गो दियो, वह जड़ा पानी से जड़ी बारिश उस मट्टी से नाजल की गई वह दुखा ते गमा दी बारिश थी। इंसान को बनावन वास्ते दुखा दी बारिश के नाल मिट्टी को गोया गया। इस वास्ते इंसान की जिंदगी दुख ज्यादा होते हैं और खुशियां थोड़िया होती हैं। कुरान मजीद अल्लाह करीम ने फरमाया फइन्ना मअल उसरी युसरन, इन्ना मअल उसरी युसरा, फरमाया हर तंगी दे बाद आसानी है, फिर हर तंगी दे बाद आसानी है। इधर भी उसर, इधर भी उसर विच एक युसर, यानी अल्लाह ने एक खुशी नु दो दुखां दे दरमियान रखिया। मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने दुख सदा सुख कद कदाई। इंसान की जिंदगी दुख ज्यादा ते खुशियां थोड़ी आउंदियां ने, मगर वह खुशियां इंसान दुख बुला देंदियां ने। दे बाद जी खुशी मयसर आवे उन्हों इत्मीनान किया जाता है। हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती मुजद्दी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मज़हरी के अंदर लफ्ज़ इत्मीनान की तफसीर करते फरमाते हैं कि इंसान की अख के सामने उसकी सारी कायनात उजड़ जाए, उस गम की कैफियत के अंदर इंसान को अल्लाह के जिक्र च सुकून मिले उन्हों इत्मीनान कहते हैं। ठंडे कमरे दे अंदर बैठ के, मस्जिद कलीन ते बैठ के ठंडे पानी नाल वुजू करके, गर्मिया विच ठंडे पानी नाल, सर्दिया विच गर्म पानी नाल वुजू करके अल्लाह नू याद करना सौखा है, पर दुखा विच रब नू याद करना ते उस वेले सुकून पाना ये मुश्किल है। इंसान की अख के सामने उसकी सारी कायनात उजड़ जाए, उस हालत अल्लाह के जिक्र च सुकून मिले उन्हें इत्मीनान कहते हैं। अल्लाह के नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम एक दिन सारे राह गुजर रहे थे, आपने एक मुर्दा परिंदा देखा कि उस मुर्दे के पर पाल जिसम के अजा हड्डियां अलग अलग बिखरिया ने। अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहि सलाम ने अर्ज की, रब्बी अरिनी कैफ़ तुहयिल मौता, अर्ज की या अल्लाह इन्हों किवें जिंदा करेगा। अल्लाह फरमाया काल अवलम तुमिन, क्या तेरा ईमान नहीं कि मैं मुर्दे जिंदा कर लेना। अर्ज की काला बला, हाँ मेरा ईमान है तो मुर्दे जिंदा कर लेना है, वलाकिन लियतमइन्न कल्बी, दिक्कत जिंदा करके बखा देवे तो मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। अल्लाह ने मुर्दा जिंदा करके दिखा दिता, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के दिल में इत्मीनान हो गया। इन्हों इत्मीनान कल्ब कहते हैं। इस आयत मुबारक च अल्लाह ने नफ्स मुतमइन्ना नु मुखातब फरमाया, फरमाया अय्यतुह नफ्सुल मुतमइन्ना, फरमाया ऐ इत्मीनान वाली जान। कौन है वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुरान अहले बैत दे नाल है, अहले बैत कुरान दे नाल है, यानी जे तेनों आल दी समझ ना आवे ते कुरान पढ़, ते कुरान दी समझ ना आवे ते मुहम्मद दी आल दे बूहे ते आ जा। फरमाया फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, फरमाया जे किसी चीज दा इलम ना होवे ते अहले ज़िक्र कोलो पुछिया करो, ए नहीं फरमाया अहले इलम कोलो पुछिया करो, फरमाया अहले ज़िक्र कोलो पुछिया करो। तो मौला अली मुर्तदा शेर खुदा हैदर करार मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा देने, नहनु अहलु ज़िक्र, फरमा देने असी अहले बैत रसूल ही अहले ज़िक्र हां,
पता चलिया कि जे किसी चीज का इलम ना हो फिर नबी की आल कुल पूछा जाएगा। आओ ये आयात लेके करबला दे टिब्बे ते खलोते हुसैन दी बारगाह च चल गए। अर्ज करिए अल्लाह जबाल दे तो त्रया दर दसया जे नफ्से मुतमईना किनो कह दे ने कि मैं ते तुसा किसे कारी कुल किसे हाफिज कुल किसे आलिम कुल कुरान पढ़िया पर हुसैन ने तो अस अम्मी कुल कुरान पढ़िया जड़ी अम्मी ने मुहम्मद तो कुरान पढ़िया है। कुरान दा कारी ते मुफसिर हुसैन नाल वध के कौन हो सकदा है। पढ़िए कुरान भाई भाई हाफजाबाद वाले हो मैं साल बाद आया थोड़े गांव में गाजीबाद तो मेरा ख्याल है तुसा को सुभान अल्लाह पूरा साल जोड़ के रखी है कि नहीं मेरे लिए जिन्नी सुभान अल्लाह जोड़ के रखी ना वो सारी मैनू दे दे मैं नाल ला जावां। सारे मेरे कान च आके आ कह रहे ने कि डेढ़ घंटा तकरीर सुनायो तो डेढ़ घंटे वाली सुभान अल्लाह भी देनी पैनी है। जिन्हें जिन्हें हाथ नहीं ना चुके नाल दा बेली फड़ के चुके जगा के हिला के बोलो सुभान अल्लाह। ना भाई कोई जोर नहीं लगा रहे जोर लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अज गला खराब हो जाए सुबह नु पूछो तेरे गले नु की होया आखिर राती करबला वालों का जिक्र पिया होता सी मैं सुभान अल्लाह कहता रहा। मैं दुआ करना शाजी अमीन फरमान कबूल हो जाए या अल्लाह जेड़ा उच्चा जो सुभान अल्लाह फरमाए इस साल अपनी अम्मी ते अबू नाल हज करके आवे। हाथ चुको हाथ चुको मैं पता लगे मैं जूंदे जागते नबी पाक के नौकर जो बैठा या अल्लाह जेड़ा इस तो उच्चा बोले सारा टब्बर रमजान शरीफ मदीने गुजार के आवे। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सौवे ते ख्वाब विच कमली वाला याद आवे ते तेरा की जांदा जेड़ा इस तो उच्चा बोले जागदे महफल च सोने दा दीदार करा दे। हुण काम इत्थे रखिया जे फिर हौला बोले उच्चा बोलो सुन नासिर इकबाल मुहम्मद अजमल सेठी अमानुल्लाह तारड़ इन तमाम अहबाब नो मैं हदिया तबरीक और मोहब्बत भी पेश करना और मैं इन वास्ते दुआ गो भी हाँ कि रब ताला ने सारे की हाजरी कबूल फरमा के जरिया निजात बनाए ताद में आखिर अल्लाह करीम जिक्र हुसैन और जिक्र इमाम अंबिया करने की तौफीक मैसर फरमाए। हम पढ़िए कुरान जो सुभान अल्लाह तो सारे अल्लाह ने इरशाद फरमाया यतहन्नफुल मुतमईन्ना तुरजी इला रब्बी की रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। परवरदिगार ने फरमाया है नफ्से मुतमईन्ना हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपति मुजद्दी फरमांदे ने इंसान दी अख दे सामने ओदी कायनात उजड़ जावे उस कम दी कैफियत इंसान नु अल्लाह दे जिक्र च सुकून मिले ओनु इत्मीनान कहंदे ने। नौजवान कुरान दी आयत सामने रखे आज आओ जरा करबला च इमाम आले मुकाम दा किरदार देखिए। मेरे इमाम दा काफिला मदीने तो मक्के वल जा रहा हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा काफिला मक्के तो करबला वल जा रहा हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा तीन मुहर्रम नु करबला डेरे लगे गए हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा सात मुहर्रम नु पानी बंद कर दिता गया हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा उदे दस मुहर्रम दी फजर तलू हो गई हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा उदे अब्बास दे बाजू कटे गए हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा उदे कासिम दी पसलियां टुट गई हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा अकबर दी लाश ते दौड़े दौड़ गए हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा उदे असगर दे हलके च तीर लगे आ हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा उदी निक्की जी सकीना भी रोंदी है हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा पता नहीं करबला दे मैदान च हुसैन नु अल्लाह दे जिक्र च किन्ना सुकून पिया मिलदा है कि सिर ने ते दी नोक ते चढ़िया है ओ अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा अल्लाह का जिक्र करी जा रहे हैं। या अय्या तो नफ्सुल मुतमईन्ना ऐसा इत्मीनान ऐसा इत्मीनान अल्लाह का जिक्र है सारी कायनात अख के सामने उजड़ गई वो अल्लाह का जिक्र करी जा रहे हैं। ते जे ऐसे कफियत नो इत्मीनान कहंदे ने
शाह जी कोई नाराज ना हो तो मैं फिर तर्जमा इंज ना करा कि कुरान कह रहा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना ऐ इत्मीनान वाली जान इहदा तर्जमा बनदा या हुसैन है कोई ऐसा नफ्से मुतमइन्ना सारी कायनात लुट गई। मैं हज करके आया ना इस साल अल्हम्दुलिल्लाह ते 10 दिन मदीने 12 गुजारे ओ यार हर साल मदीने जाइए ते पैकेज लगवा के लोग जांदे ते उमरा कर दे ते मदीने 10 दिन गुजार दे ने ते मदीना 10 दिन गुजार के जदों आखिरी दिन आउंदा ते लोगां दी चीखा निकल जांदियां ने लोग मुड़ मुड़ गुंबद खिदरा वल वेख के ते रो के कहंदे ने कमली वाले पता नहीं मुड़ आउणा कि नहीं आउणा ते लोग रो के कहंदे ने सोने तेरे जल्दी बुला लिया जे ओ जिहड़ा 10 दिन मदीने गुजार आवे ओदे कोल मदीना ते छड्या ना जांदा ते जिन्हें 56 साल मदीने गुजारे हो जिदा नाना कमली वाला मदीने होवे जिदी मां जहरा मदीने होवे जिदा वीर हसन मदीने होवे जिदी कुल कायनात ही मदीना होवे उन्हें पता नहीं केड़े हौसले ना मदीना छड़िया मदीना छड़न दा दुख एक पासे पुत्रां दे जावन दा गम एक पासे भतीजे ते भांजियां दा गम जावन दा गम एक पासे और वीरां दे जावन दा गम एक पासे धीआं दे रोवण दा गम एक पासे ते सारे गम सीने च लै के ते ऐसा नफ्से मुतमइन्ना है ऐसा नफ्से मुतमइन्ना है कि सामने पुत्रां दीआं लाशां सज्जे पासे वीरां दीआं लाशां खब्बे पासे भांजे ते भतीजियां दीआं लाशां ते पिछे गुलामां दीआं लाशां घर च इक मैयत होवे ते रात नींद नहीं आउंदी उत्थे लाशा का ढेर है बेगानी एक भी नहीं ते लाशा के ढेर च खलो के ऐसा नफ्से मुतमइन्ना है आसमान वाल वेख के पुछते ने राजी है नहीं समझे ते आसान करा आसमान वाल वेख के पुछते ने राजी है के होर देवा तू आवाज आई हुसैन तू राजी है तू राजी है अर्ज की थी आला मैं अकबर देख भी राजी हूं असगर देखे भी राधिया मैं कासिम देखे भी राधिया मैं अपना पास देखे भी राधिया मैं मदीना छड़ के भी राधिया मैं सकीना रोंदी वे के भी राधिया वह भी अब्दुल्ला कलबी देखे भी राधिया हबीब इब्ने मजाहिर देखे भी राधिया अर्द की थी मैं अपना होर देखे भी राधिया अर्द की थी अल्लाह दस्तू राधी है अल्लाह ने रिशा फरमाया तेरे नाम दा नारा मार के मर जाए मैं ओदे ते भी राजी हां या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक राधियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मेरा दिल करदा मैं सारी बहस दा तर्जमा हजरत पीर बाहू को करवा के देवा तुसी नहीं बोले नहीं ते करवा मैं देना सी हाथ ना चुके मत किधरे कोई शहीद ना हो जाए थोड़ा होर हौला बोलो बार आवाज बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। पिछले साल ते लंगर है सी ते ऐ साल भी है ते फिर क्यों नहीं पे बोल दे भाई जिदा खाइए ओदा गाइए जिदी अम्मी ने दस के भेजा तू ते पलिया कमली वाले दे लंगर ते सुननी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह आरिफान सुल्तान उम्दतुल कामिलीन खुतबुल मुकम्मिलीन खुतबतुस सालिकीन बुरहानुल वासिलीन हजरत सखी फनाफिल्ला बकाफी हूँ हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्ला अलैह ने एदा बड़ा ही मिठा जा रंग पेश फरमाया आप इरशाद फरमा दे आशिक होवे रखी बागे पहाड़ा ऊसा पतिया ते हजार उला में कर जानी बाग बहारा हूँ मन
منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے باقی پہ کھل اسرارا سر سجدے اینا چکیے باہو پاوے کافر کین ہزار عاشق ہوں میں عشق کمامے تے دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں نہیں سمجھے دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں انو سوکھا نہ سمجھے تے دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں یہ قتلگاہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون دل رکھی وانگ پہاڑا واہ حسین تیرے دل تو صدقے جاؤں پہاڑا نلو وڈا حمالیہ نلو وڈا دل ایسا حوصلہ او یار جدے نال دس بندے ہونا انہوں بڑا اطمینان ہوندا ہے کہ میرے نال دس بندے نے تے ان اللہ مر صابرین انہوں کنا اطمینان ہوئے گا جنہوں پتہ ہے رب میرے نال ہے جدنا رب ہوئے انہوں کتنا اطمینان ہوئے گا یا ایتہ النفس المطمئنہ فرمایا اے اطمینان والی جان ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ لوٹ اپنے پروردگار ول اس حالت وچ کہ تو اودے تے راضی ہے او تیرے تے راضی ہے اور نفس مطمئنہ حسین ہے امام حسین دی ذات پاک ہے اگر میں تے بحث کراں لفظ اطمینان تے مینوں وقت درکار ہے اج اسی اس حسین دا ذکر کرن واسطے اکٹھے ہاں میں پچھلے سال آپ احباب نو دو گلا سنا کے گیا جتنا مینوں یاد آ رہے کہ او جڑا زہرا دی گودی چ سوے تے محمد دے موڈیاں تے بوے اے میں تانوں پچھلے سال سنا کے گیا اج میں تانوں اس تو اگلی گل سناون لگا میری ملت دے نوجوانوں بچہ پیدا ہو جائے نا تے باپ دا دل کردا اے انو دادا گڑتی دے وے یا چاچو گڑتی دے وے ماں دا دل کردا اے انو نانا گڑتی دے وے یا مامو گڑتی دے وے تے چلدی کدی اے او تانوں پتہ ہی ہے بولو پاویں نہ بولو پتہ تانوں ہے تے جے چاچا بیچارہ غلطی نال پلکھے نہ گڑتی دے ہی لے تے بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے تے ماں بی بیاں چو بیٹھ کے کہہ دیئے اوترا چاچے تے گیا تے جے گڑتی ماں میں دیتی ہوئے نا تے بچہ شرارت بھی کر لوے تے ماں بی بیاں چو بیٹھ کے بڑی خوش ہو کے کہہ دیئے ماشاءاللہ مامو تے گیا یعنی پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندہ ہے وہ میں نے سچی دسیو حافظ آبادی ہو وہ جنہ نے گڑتی جو محمد دی زبان دے چوسے لے سنو نہ محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کی دیتے جانا سے پھر ہونا محمد تے جانا سی نا وہ جنہ نے گڑتی جو محمد دی زبان دے چوسے لے ہو من حسین دی عظمت تو صدقے جامع وہ جی دی زبان نو کملی والے چوس دینے تے اپنی زبان حسین دے موچ ڈال دے دینے جڑا ساری ساری رات سارا دن محمد دی زبان دے چوسے لبے اجازت ہوئے تے رنگ دے وان ساڈا بچہ آوے تے اذن کھجور دی گڑتی شہد دی گڑتی مٹھی گڑتی دینے ہاں پر آ جڑے نبی دی آل دے بچے سن نہ مولا علی سیدہ زہرا پاک امام حسن امام حسین سیدہ زینب انہاں سارے بچے نوں گڑتی چ محمد دی زبان دے چوسے ملے عرض کیتی یا اللہ دنیا دار دا بچہ مٹھی گڑتی لے کے پیدا ہوئے تے نبی دے گھر دے بچیاں نوں گڑتی مٹھی نہیں دینی تو آباد آئی دنیا والی ایڈا مٹھا ماں بھی کچھ نہیں بنایا جنہی میں محمد دی زبان ہی مٹھی بنا دیتی ہے ایڈی مٹھی زبان بنا دیتی ایڈی مٹھی زبان بنا دیتی پڑھا قرآن کی ڈی مٹھی زبان بنا دیتی بے مرشدہ چپ روے تے جدہ مرشد علی ہے وہ بولے سبحان اللہ بھور چا بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا باقی لہی یا رب اللہ أولئك قوم لا يؤمنون إن قول قول رسول كريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا بعض يوحى
अज बच्चा बोले मां कहती है बड़ा मिठा पिया बोलता है, भैना कहती है साडे वीर वर्गा बोलता ही कोई नहीं, बाप कहता मैं कुरबान जावा बड़ा ही मिठा बोलता है। जदों नबी दे बोलन दी वारी आई कुरबान जान वाली मां भी कोई नहीं, बाप ही सिर ते ना रहा, भैन है ही कोई नहीं। अर्ज की आला मैं भुलिया पारी सदके कौन जावेगा, अल्लाह फरमाया वकील ही वकील ही, फरमाया तेरी बोली भी कसम है एक बारी बहुत सही, मैं तुम्हें जग कुर्बान कर देवा। बोल मैं तेरी बोली तू जग वार देवा, इजाजत होवे ते तर्जमा मियां मोहम्मद बख्श कुलू करवा के देवा। बहुते बेली नहीं बोले थोड़े या मैं बेचो मेनू सहारा कराया थोड़ा जा, हाथ चुको मेनू पता लगे नबी पाक दे जूंदे जागदे नौकर च बैठा। हो सकता है शाह जी किसी ने बाद मेरे ख्याल आ जाए कि मैं आसी साहब हाथ हो रहे क्यों खड़े करवाते सन, तो तुम शाह जी बाद पे परेशान करो तो मैं आप ही दस जाना। मैं मिंबर रसूल से बैठा, मैं कसम मिंबर वाले दी तुहाडे हाथ खड़ा करन च मेरा कोई भी फायदा नहीं, मैं हाथ इस वास्ते खड़े करवा रहा कि कुरान मजीद सूरह यासीन अल्लाह ने फरमाया अलयौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, अल्लाह फरमांदा क़यामत नूं ज़ुबानां बंद हो जाणगियां हाथ बोलणगे। मेरा दिल करदा है जदों क़यामत नूं अल्लाह हाथ नूं पुछे की करदा सी ते हाथ कवे माफ़ कर दे जो भी करदा सी, जदों कमली वाले दी आल दा ज़िक्र आउंदा सी मैं उच्चा हो के सुभान अल्लाह कहदा सी। स्टेज वाले तुसीं भी बोलो, तुहानूं उच्चा इस वास्ते बिठाया कि तुसीं उच्ची सुभान अल्लाह आखो, होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। आरफ कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने आया कख सवाद ना, एक कख सवाद ना, मिश्री अंदर खंडा भी चख डिठिया मिठी जुबान हुसैन ने चूसी। एक दिन ना मेरे नबी ने खजूर खा के ते गुठली सटी, गिटक सटी, एक बच्चा बैठा वो बच्चे दौड़ के जाके गुठली उठाई मुंह च डाली ते चूस रहा। क्या तरबियत कर दिया सन मदीने दिया मावा अपने बच्चिया दिया, कोई अल्लड़ बल्लड़ बावे दी लोरी ते नहीं सन ना पल दे, मुहम्मद दे दरूद दिया लोरिया ते पल दे सन। एक सहाबी सन उन्होंने सिर दे वाल पैरां तक लंबे सन, किसी पूछे एडे लंबे वाल क्यों रखे जे, हजरत अबू मखजूरा रदी अल्लाह तआला पूछे इतने लंबे बाल क्यों रखे जे, फरमाया बचपन च खेल रहा सा नबी पाक ने गुजर दिया मेरे सिर ते प्यार दिता, मैं सारी जिंदगी वाल ही नहीं कटाए जिन्होंने मुहम्मद के हाथ लग गए। मदीने दियां मावां पता की कर दिया सर, सवेरे सवेरे पानी के डोल भर के ते बच्चियां नूं पकड़ा देने, नबी करीम ने फजर की नमाज पढ़ के जो मुसल्ले ते बैठे आना तो मदीने के बच्चे ने पानी के बर्तन हजूर के सामने रख देने, हजूर ने अपने यदुल्ला वाले हाथ उस पानी च डुबो देने। मदीने दियां औरतां आटा भी उस पानी ना गुंदियां सन ते रोटी भी उस पानी नाल ही पकांदियां सन ते सालन भी उस पानी च पकांदियां, क्यों ताकि बच्चे नूं नबी पाक के हत्थां दा तबरुक मिल जाए। आसी मदीने दी औरतां दे बच्चे पालन दे तरीके, और रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इश्क बच्चियां नूं गुड़ती च पिला दे दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खजूर खा के गुठली सटी ते बच्चे दौड़ के जाके गुठली उठाई मुंह च डाली ते चूस रहा। ओ बच्चा जिदे बारे हजरत इमाम इबन हजर असकलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि एक दिन नबी करीम तहज्जुद नमाज पढ़ रहे, बच्चा भी आ गया, बच्चे वेख्या कि नबी पाक तहज्जुद पे पढ़ते ने, इन्हें भी पीछे खलो के ना तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलियो सुभान अल्लाह। एक कैमरे गिन लो वेखो
बेशुमार कैमरे लगे ने। अजय मैं हाफिजाबाद नहीं जाना तो इन्होंने मेरी तकरीर अपलोड कर भी देनी है तो तुहानू पूरी दुनिया वेख लेना है। तो मैं जो बाहर जाना तो उन्हें कहना साढ़े को नहीं सुबहान अल्लाह करवा जाते हो तो अपने गवांढ़ी थोड़े को बोलते नहीं रोंद ना मारो तो उच्चा बोलो सुबहान अल्लाह। मैं हजरत रहीम यार खां गया तो मैं आख्या रोंद ना मारो वो एक दूसरे को पूछने लग पे रोंद की होंगे तो तुहानू तो पता तुम मारते रहते हो लिहाजा रोंद ना मारो तो उच्चा बोलो सुबहान अल्लाह। तो सख्त घर च गौर किया हो बच्चा साल डेढ़ साल का हो माँ या बाप नमाज पढ़ता हो ना तो बच्चे भी अगे आके रुकू करेंगे सजदा करेगा हालांकि उन्हें पता नहीं रुकू की है सजदा की है मगर उंज ही करता जिवें तुसी करोगे पता चलिया औलाद वो नहीं करती जो मापे कहते हैं औलादा वो कर दें जो मापे करते हैं। जो तू चाहना तेरा बच्चा नेक हो जाए फिर तू भी नेक हो जा ही करेगा जो तू कर ओही करेगा जो तू करेगा। फराइज मस्जिद पढ़िया करो तो सुनता ते नफल कदे कदे घर पढ़िया करो ताकि बच्चे तो नमाज पढ़ता वेखन तो उन्होंने भी आदत हो जाए। मेरी मिल्लत दे नौजवानों नबी करीम नमाज तहज्जुद पढ़ते थे बच्चे ने भी पीछे आके नियत कर ली हजूर ने नमाज पढ़ दिया ए ऐसा दामन पकड़ के बराबर किया बच्चा फिर पीछे हजूर ने फिर बराबर किया फिर पीछे फिर बराबर किया फिर पीछे नमाज मुकम्मल करके हजूर ने फरमा बेटा मैं तेनों बराबर खड़ा कर दसा हुंदा क्यों नहीं सा। लो भाई उस बच्चे जड़ा जुमला बोलिया ना वो अज दी महफिल दा नचोड़ निके निके हाथ जोड़ के कहन लगा कमली वाले मैं तुहाडे बराबर किवें खलो सकना। अम्मी कहंदे ने कि शबे मेराज नबी ते सारे ही आए सन पर तुहाडे बराबर कोई नबी भी खड़ा नहीं सी होया। चुप कर मेहर अली इत्थे जा नहीं हो बोलण एवें लोग कड़ियां चुक के कहते ने मैं नबी वर गई हाँ वो झल्या तो उन्होंने पुछ जिन्हें वेखे वो कहते ने बादत खुदा बजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर कौन है जरा मेरे अम्मा ही दिया रीसा करे नबी करीम ने उस बच्चे की अदा पसंद आई तो ये इस तरह करके ना हाथ उठा के मेरे नबी अर्ज की अल्लाहुम्मा फक्के हो फिर दीन अर्ज की या अल्लाह इस बच्चे नो दीन तो फकीह बना दे इस बच्चे नो दीन की समझ अता फरमा ये बच्चा वह बच्चा है जरा कुरान मजीद का पहला मुफसिर बनया ये बच्चा वह बच्चा है जिन्होंने तर्जमानुल कुरान कहते हैं ये बच्चा वह बच्चा है जिसे बारे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं इब्रुल उम्मा इस उम्मत का सब तो बड़ा आलिम ये बच्चा वह बच्चा है जिसे बारे मौला अली फरमाते हैं जो कुरान की तफसीर कर दे लगता है जिमें बरीक परदे पिछे छुप के खुदा दे राज पिया वेखदा है ये बच्चा वह बच्चा जिहड़ा उम्र च ते छोटा है पर उहदे कोल हज़रत सैयदना उमर फारूक मसला पुछण आंदे ने ये बच्चा वह बच्चा है जिहड़ा नबी करीम दे चाचा हज़रत अब्बास दा पुत्र अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुमा है और मैनू सच्ची दस्सियो हाफिज़ाबाद वालियो वह जिहड़ा नबी की खजूर की गिटक चूस लवे उत्ते उम्मत दा वड्डा ही आलिम बनदा ते जिहड़ा चूसा ही मुहम्मद की जुबान चूसा ही नबी दी ज़बान माशाल्लाह जड़ा चूसा ही नबी दी ज़बान इलम खुदा ने इना दिता जड़ा अकलां विच ना आवे अकल खुदा ने इनी दिती इलमा विच ना आवे। मैं इस सवाल ते नहीं पढ़िया करदा हूं बल्कि इस सवाल ते पढ़िया करना मौला अली दी जान ते जहरा दलूरे मौला अली दी जान ते जहरा तनूरे ए मौला अली दी जान ते जहरा तनूरे लखा दुरूद ते सलाम आप ते हुसैन लखा दुरूद ते सलाम आप ते हुसैन के ना
نماز تے پڑھیے اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد او آل محمد حسین نوجوانوں جدے تے درود پڑھیا بغیر نماز مکمل نہیں ہوندی او دے تے درود بغیر سنیا دی محفل کیویں مکمل ہو سکدی ہے ہاتھ کھڑے کر کے لہرا کے سارے مل کے پڑھیے لکھاں درود تے سلام آپ تے حسین اے مولا علی دی جان تے زہرا تنور لکھاں درود تے سلام آپ تے حسین لکھاں درود تے سلام वो आप ते हुसैन तुसा पढ़ना है लखां दुरूद ते सलाम आप ते हुसैन लखां दुरूद ते सलाम आप ते हुसैन लखां दुरूद ते सलाम सारे पढ़ो लखां दरूद ते सलाम आप ते हुसैन जिन्हों गुड़ती च नबी की जुबान दे चूसे मिले उमर हूँ इजाजत देवो ते मैं गल सुनावा जो नबी की जुबान दे चूसे ले ले हूँ मैं केड़ा कुलिया वरता ते सुभान अल्लाह बोलोगे मैनू पता मस्त हो गए पर शेख सादी फरमाते ने ऊंट मस्ती आवे तो एक मन की बजाय दो मन पार चुक जाता है मस्ती ची बोली जाओ सुभान अल्लाह एक बारी सुभान अल्लाह कहिए तो जन्नत च एक दरख्त लगता है भाई मैं क्या जन्नत च एक दरख्त लगता है अज इतनी सुभान अल्लाह बोल के जाओ घर जाओ तो पता लगे मैं तो जन्नत च बाग लगा के आया हाँ और यार जिदा लाहौर बैरिया टाउन च दस मरले का प्लाट हो करोड़ा पति आ जिदा जन्नत च बाग लगाओ है अपना अपना बाग लगाओ तो उच्चा बोलो सुभान अल्लाह एक दिन इमामे हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दी बारगाह च एक बंदा आया तो उन्हें आख्या मेरे घर धीया बड़िया ने पर पुत्र कोई नहीं तो दौलत भी बड़ी है भी वजीर आते हजूर कोई दुआ करो को वजीफा दो अल्लाह मैनू पुत्र दे दे पता चलिया कि आ जड़ा सुन्नी पुत्रां वास्ते वजीफा लैन वलियां कोल जांदे ने ए आदत सानू मदीनियों पई है असी कोई अज दे नहीं जांदे इमामे हसन कोल बंदा आके कहन लगा मेरे पुत्र कोई नहीं धीयां हैं दौलत बड़ी है ते वारस कोई नहीं ते को वजीफा दियो अल्लाह मैनू पुत्र दे देवे लो आ जड़े बे औलाद या जिन्हां दे घर पुत्र नहीं उन्हां वास्ते अली दे पुत्र दा पीरां दे पीर दा वजीफा लै जाओ इमामे हसन ने उन्हें फरमाया अस्तगफिरुल्लाह पढ़िया कर की पढ़ना है सारे बोलो भाई की पढ़ना है फिर पढ़े जो की पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह सूफिया फरमाते ने जेड़े मियां ते बीवी रोजाना 1100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह इस नियत ना पढ़ा के अल्लाह पुत्र दे दे अल्लाह जरूर पुत्र अता कर दे दे इमामे हसन दा वजीफा ओ बंदा गया ते होर आ गया ते उन्हें आके अर्ज की हुजूर मेरी कमाई च बरकत कोई नहीं को वजीफा दियो तुसी इत्थे बेशुमार बंदे ऐसे बैठे हो जेड़े साडे कोल आके शाह जी कोल आके कहंदे हो पीर साहब हाफज जी किबला अलामा साहब सूफी साहब खलीफा साहब पीर जी एको वजीफा दियो कमाई च बरकत कोई नहीं बरकत यह नहीं होंगी कि अगे बंदा 50,000 कमांदा सी हुण 2,00,000 कमान लग पिया ते बड़ी बरकत होगी नहीं नहीं कमाए बंदा 2,00,000 ते बिल आ जाए 3,00,000 ते बरकत ते ना हो ते कमावे 50,000 ते महीने बाद सारे काम भी हो जाते पैसे भी बच जाने इन्हों कहंदे ने बरकत ओ कसरत ए बरकत है बरकत बहुत च नहीं होती थोड़े च होती है बोले नहीं भाई कसरत हो रे बरकत
इमाम हसन की बारगाह जाके कह लगा मेरी कमाई च बरकत कोई नहीं, को वजीफा दो। इमाम हसन ने उन्होंने भी फरमा तू भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़िया कर, कम करदिया करदिया अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहा करो फिर बरकत वेख्या जे। हाथ कार वल ते दिल ओ बंदा गया, एक होर आ गया उन्हें आख्या जी मैं जिम्मेदार हाँ तो मेरी फसल ठीक नहीं आती, को वजीफा दो। इमामे हसन ने उन्होंने भी फरमा तू भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़िया कर। ओ गया एक होर आ गया उन्हें आख्या जी मेरे घर चो बीमारी नहीं जाती, को वजीफा दो। हजरत इमामे हसन ने फरमा अस्तगफिरुल्लाह पढ़िया कर। ओ गया एक होर आ गया उन्हें आख्या जी बारिश नहीं आती, को वजीफा दो। इमामे हसन ने फरमा अस्तगफिरुल्लाह पढ़िया कर। पांच बंदे गए थे इमामे हसन का खलीफा नाल सी, उन्हें अर्ज की लाजपाल ये बीमारियां पांच ते दवाई इको ही, बीमारियां पांच ते दवाई इको ही। इमामे हसन ने फरमा दवाई मैं कोलो नहीं दीती, मैं अल्लाह दे कुरान जो दीती है। उन्हें आख्या जी कुरान की कहना है, आपने उस वेले कुरान की आयत पढ़ी, पढ़ा मैं जे सुभान अल्लाह, सारे बोलते नहीं मैं किवें पढ़ा यार, अजे मैं शुरू होया। उन्हें दा रंग उड़ गया कि लगता असी सा फजर पढ़ा के जाना, अच्छा नहीं जल्दी जान छड़ देवांगा पर फिर भी मथे लगना होंगे। आपने फरमा अल्लाह कहता है इस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलु समाअ अलैकुम इदरारा वयुमदिदुकुम बिअम्वालिन वबनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम फरमाया अल्लाह दे कुरान ने ना पंजा बीमारियां दा इयो इलाज दस्या है। उन्हें अर्ज की थी लाजपाला तेरी बड़ी शान है, हर गल दा जवाब कुरान चू देंदे हो। फरमा क्यों ना कुरान चू जवाब देवा, ओदी जुबान चूसदा रहा जिदे उत्ते कुरान नाजल हुंदा रहा। फरमाया मैं जुबान ओदी चूसी है जिदे उत्ते कुरान नाजल होया है। ओ हर गल ची कुरान, ओ हर गल ही कुरान चू कर दे।